नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कलेक्टर स्वरुचिश सोमवंशी व एसपी सचिन शर्मा ने उमरिया मुख्यालय के विभिन्न वार्डों का भ्रमण कर लोगों की परेशानी देखी, साथ ही सड़क, पानी, बिजली आदि की समस्या वार्ड वासियों से सुनकर जिम्मेदार अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। नगर के वार्ड में प्रतिदिन साफ सफाई बनाए रखने के लिए नगर पालिका प्रशासन को निर्देश देते हुए कहा कि बरसात का पानी कहीं भी जमा नहीं होना चाहिए, साथ ही वार्ड की सड़कों का मरम्मत कराया जाए। वार्ड वासियों ने पेयजल की समस्या बताई, जहां कलेक्टर ने नगर पालिका को जल्द समस्या हल करने के निर्देश दिए। बरसात के पहले हम लोग को बहुत सारी तैयारियाँ करनी चाहिए रोड की। आज हम लोगों ने उसी का जायजा लिया, मैंने, एसपी साहब ने, एसडीएम साहब ने, डिप्टी कलेक्टर महोदय, पीडब्ल्यूडी, नगर पालिका, सभी ने आज भ्रमण किया कि जो कार्रवाइयाँ होनी थी उनमें कितनी हुई हैं, कौन सी कार्रवाई में हमें और अभी और ध्यान देना है, कितनी सड़कें हैं जिनके टेंडर जारी हो चुके हैं उनमें समय सीमा में काम होना है, और भी जो गैप्स हैं चाहे वो सफाई हो, लाइटिंग की व्यवस्था की हो, और भी चीज़ें। तो बहुत सारी पॉइंट्स हमने देखे, कुछ काम हुए हैं, कुछ में कमियाँ हैं, तो निर्देश दिए अधिकारियों को। इसकी साप्ताहिक समीक्षा करेंगे हम लोग और पब्लिक से भी बात की ताकि पता चले कि कहाँ कहाँ पर काम की आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात NH-43 की है, उसमें हम लोगों ने बात की है डिवीजन मैनेजर से, और उसका लैंड एक्विजिशन का काम चल रहा है, बट उसको उसके पहले ही पब्लिक के साथ मिलकर कोऑपरेटिव वे में उसको मोटरेबल करने के लिए, GSB करने के लिए वो कल से यहाँ पे काम शुरू। उमरिया से प्रदीप त्रिपाठी, दीपू की रिपोर्ट।